एक अन्य मित्र ने लिखा है, आज सुबह जब मैं ध्यान में बैठा तो थोड़ी देर बाद ही ऐसी स्थिति हुई जैसे कि मैं सांस ले ही नहीं रहा, सांस लेने का कोई निशान नहीं रहा। कुछ भय भी लगा कि कहीं कोई समस्या ना हो जाए। फिर मैंने सोचा कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, अस्तित्व जाने, और शरीर में कोई नुकसान भी नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा लगा जैसे कि मेरा शरीर गायब हो गया है। ऐसी स्थिति में करीब 40 मिनट कब निकल गए पता ही नहीं लगा। मैं हमेशा जब भी ध्यान में बैठता हूँ तो समय का ध्यान रहता है, किसी कारणवश ध्यान से उठना पड़ा, नहीं तो मैं और बैठा रहता। ध्यान से उठने के बाद भी बहुत शांति रही। कृपया इस विषय में कुछ बताएं और निर्देश दें। सांसों से बहुत चिंतित ना हो, इसलिए चिंतित होने का विषय नहीं है क्योंकि तुम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तुम कुछ भी तो सांसों के लिए करते नहीं, वो आई थी अपने आप, वो जाएंगी अपने आप। बीच में तुम उनको थोड़ा लंबा छोटा कर सकते हो, खींच सकते हो, रोक सकते हो, सांसों के साथ तुम खेल खेल सकते हो, लेकिन उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सांसों की व्यवस्था नैसर्गिक, प्राकृतिक। तो अगर तुम्हें लगा कि सांसें अब नहीं चल रही हैं और तुम उसका अनुभव कर पा रहे हो, तो इसमें चिंतित होने के लिए कुछ है भी नहीं, क्योंकि तुम कर भी कह सकते हो। अगर नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है, तुम देख रहे हो, बस इतना काफी। चल रही है उसके लिए भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो चिंता व्यर्थ है। सांसों के प्रति पूरी तरह चिंता व्यर्थ है। तुमने इस चिंता को थोड़ी देर किनारे किया, तुमने अस्तित्व को समर्पण किया, और फिर दूसरा ही अनुभव तुम्हें घटता है शरीर के अदृश्य हो जाने। शरीर का अदृश्य होना वस्तुतः तुम्हारे अहम का अदृश्य हो। तुम्हारा जो आंतरिक अहम भाव है उसका गायब होना, क्योंकि व्यक्ति को अपने होने का पता जो चलता है वो उसके अपने अहंकार के कारण, कि तुम अपने होने से इतने ज्यादा ग्रस्त रहते हो, इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हो कि कभी इस न होने की स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते। शरीर तो जाहिर सी बात है वहीं पर होगा, ऐसा कोई जादू नहीं हुआ होगा कि तुम्हारा शरीर गायब हो गया, लेकिन जो गायब हुआ वो क्या था, वो तुम्हारा मैं। तुमने जो बाद में शांति अनुभव करी वो बहुत ही सुंदर है। तुम स्वास्थ्य भी अनुभव करोगे, शांति भी अनुभव करोगे, और ऊर्जा भी अनुभव करोगे, क्योंकि यही अवस्था है उसको अनुभव करने की। गहरी नींद में भी तुम गायब हो जाते हो। जब तुम गहरी नींद में होते हो तुम गायब हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम हो या नहीं हो, और फिर तुम तरोताजा उठते हो, तुम ऊर्जा से भरे हुए उठते हो। तो उस नींद में क्या गायब हो जाता है, तुम्हारा अहंकार। तुमने अपने को कुछ मान रखा है, तुमने अपने होने को तिनका तिनका जमा रखा है, वो गायब हो जाता है, और तभी शांति आती है। सारी अशांति इसी बात में है कि तुमने कुछ होना मान रखा है और उसको इतने कष्ट के पकड़ा हुआ है कि वो बिखर ना जाए, जबकि होना निरंतर बदल रहा है, होने का एक प्रवाह है। इसीलिए हमेशा मैंने कहा है, अपने को किसी निश्चित धारणा में ना बांधे।
कभी ऐसा भी ना बांधे कि मैं इस तरह का हूं या इस तरह का नहीं हूं। कदाचित इस अनुभव में तुम्हारी ये पकड़ छूट गई होगी, तुम बैठे रह गए, क्योंकि सांसों का करीब करीब बंद हो जाना, मंद हो जाना इस बात का परिचायक है कि तुम्हारे अंदर विचारों का प्रवाह थोड़ी देर के लिए रुक गया है। विचारों का प्रवाह, उसी से तुम अपने को जोड़कर देखते हो। विचारों के प्रवाह के रुकने के साथ तुम गायब हो गए और तुम्हारे अंदर एक जागरूकता बनी रही। वो जागरूकता बनी रही इसीलिए बाद में इसे तुम अनुभव कर पाए कि मैं तो था ही नहीं, लेकिन वो क्या था? जब तुम गायब थे तब क्या था? तब केवल तुम्हारी चेतना थी, चैतन्य, और कुछ भी नहीं। ये अनुभव विधायक अनुभव है, सुंदर है। इससे इतना ही तुम सीख सकते हो कि अपने शरीर के प्रति बहुत पकड़ ना बनाए। आम व्यक्ति की पीड़ा यही है कि शरीर के प्रति बहुत अधिक वो पकड़ बनाकर रखता है, और वो ऐसी चीज है कि जिस पर तुम्हारी पकड़ का कोई भी असर नहीं होता। वो अपने ही ढंग से चलता है, शरीर अपने ही ढंग से जा रहा है। क्या उसमें तुम कुछ कर पाते? सचमुच में कुछ नहीं कर पाते, वो शरीर ही करता है, वो उसकी ही अपनी अंतः प्रज्ञा है। और जो शरीर की अंतः प्रज्ञा है उसका स्रोत कहीं गहराई में उस चेतना से जुड़ा हुआ है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा प्रयोग यही है कि शरीर से पूरी तरह मुक्त हो जाए, उसका ख्याल रखें, उसकी सुविधाओं का ख्याल रखें। बाकी शरीर क्या करता है क्या नहीं करता है इससे बहुत अधिक अपने को जोड़ करना देखें। स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य की जो तुम्हारी धाराएं हैं वो आएंगी और जाएंगी, उनके साक्षी रहो। कई बार जिसे तुम स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य मानकर चल रहे होगे वो महज शरीर की एक बदलती हुई अवस्था होगी। जैसे तुम्हारे मन में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे आसमान में तुम चंद्रमा देखते हो, अमावस से पूर्णिमा तक एक यात्रा करता है, और इसीलिए लोगों ने मन का संबंध चंद्रमा से जोड़ लिया। मन का संबंध चंद्रमा से इसीलिए जोड़ा क्योंकि वो धीरे धीरे बदल रहा है, निरंतर बदलाव में। ऐसे ही तुम्हारा शरीर भी निरंतर बदलाव में, उसमें यात्रा है, वो एक जैसा हमेशा नहीं रहता। किसी दिन तुम्हारा शरीर ऊर्जा की ऊंचाई पर होता है और किसी दिन वो ऊर्जा की घाटी में होता है। वो जहां कहीं भी होता है तुम उसका स्वीकार कर लो। शरीर के साथ समस्या ये हो गई है क्योंकि व्यक्ति उसे एक स्थिरता देना चाहता है, क्योंकि शरीर तुम्हें स्थिर दिखाई देता है। ये परसेप्चुअल डिसेप्शन, देखने का भ्रम है कि तुम्हें शरीर स्थिर दिखाई देता है। मन की तरह ही शरीर भी स्थिर नहीं है, शरीर भी प्रवाह में है। तो जब तुम जागते हो अपने भीतर तो इस स्थिरता की कामना से हट जाते हो। वो सबसे गहरा स्वास्थ्य होता है और वो सबसे गहरी शांति की अवस्था भी होती है। जब शरीर ऊर्जा की घाटी में चला गया है और तुम इसका स्वीकार करते हो, उससे संघर्ष नहीं करते, तो तुम्हें उस घाटी में एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव होता है। और जब शरीर ऊर्जा के शिखर पर है तो तुम शिखर की शांति का अनुभव करते हो, उसका आनंद लेते हो। ये ऐसे ही चलता है। और जो इस बदलाव को अनुभव करता है उसके लिए चमत्कार ये घटता है, उसके लिए शरीर गायब हो जाता है। जैसे तुम्हारे लिए अभी मन गायब, तुम्हें मन का अनुभव नहीं होता। जब तुम अवसाद में चले जाते हो या कोई गहरा सदमा लग जाए
कोई गहरा दुख आ जाए तब तुम्हें पता चलता है कि मन है कहीं, अन्यथा वो अपने प्रवाह में है, अपना काम कर रहा है और तुम उससे बिल्कुल अलग। ऐसे ही जब तुम शरीर के बदलाव और प्रवाह के साक्षी हो जाओगे तो शरीर से मुक्त हो जाओगे और ये मुक्ति बहुत गहरी शांति लाती है। तब ये अनुभव जो थोड़ी देर घटा इसे तुम हमेशा अनुभव कर सकते हो कि तुम्हारा कोई शरीर ही नहीं है। एक व्यक्ति जो समाधि का गहरा अनुभव उपलब्ध करता है, फिर एक दिन समाधि की एक अवस्था में समाधि ठहर जाती है तो वो बार बार चौंक कर देखता है कि शरीर है अपनी जगह पर, अन्यथा वो प्रायः यही पाता है कि कहीं कोई शरीर नहीं, बोलना चल रहा है, सुनना चल रहा है, काम चल रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, नींद आ रही है, थकान हो रही है, लेकिन तुम कहीं अलग, तुम इस सब को कहीं और से देख रहे हो, यानी कि तुम वहां पर कैद नहीं हो, तुम उस शरीर और मन के दायरे में कैद नहीं हो। ये अनुभव छोटी सी झलक है उसकी, तो इसमें पूरी तरह धारणा मुक्त होकर और पूरी तरह समर्पित भाव दशा में जाएं, ना कोई कामना करें ना कोई आशा करें। जैसे तुमने उसमें ये भी लिखा है कि ये कामना की ये स्थिति बनी रहे, कोई कामना ना करें क्योंकि कुछ भी बना नहीं रहेगा। इसीलिए ऋषियों ने बहुत सुंदर प्रतीक चंद्रमा का तुम्हारे लिए चुन लिया था, तुम्हारे मन के लिए। जब तुम अमावस के अंधेरे में होगे तो पूर्णिमा की कामना उसका क्या अर्थ है, और जब तुम पूर्णिमा की चांदनी में बैठे होगे तो अमावस के अंधेरे की कामना का क्या अर्थ है? जो है सो है, जो है वही है, उससे विपरीत कुछ हो ही नहीं सकता, तो कामनाएं व्यर्थ है, कोई कामना ना करें। और जब कोई कामना नहीं करेंगे तो श्रेष्ठतम स्थिति में तुम्हारा शरीर होगा और मन होगा। आज शरीर को हमने जिस बुरी अवस्था में पहुंचा दिया है वो अपनी कामनाओं के कारण। तो कामना मुक्त होकर पूरी तरह जागे रहें और इस आंतरिक शांति का, इस आंतरिक स्वास्थ्य का अनुभव करें।